हैदराबाद एफसी की टीम को आप देख रहे हैं इस समय व्हाइट ब्लू जर्सी में। फलकनुमा हैदराबाद एफसी के खिलाड़ियों के सूची में निम्नलिखित नाम है। चकमा लम्मा जर्सी नंबर 9 पहने हुए जो कि मणिपुर से है। लोबे तो जर्सी नंबर 3 पहने हुए जो कि इस पहला सेमीफाइनल मैच का किक विसल मिथुन विश्वास का यहां पर बज चुकी है। और जिस तरह से चकमा लामा को आप देख पाएंगे मणिपुर स्टेट से वो खेल चुके प्लेयर जर्सी नंबर 9 में। टीम्स का इस तरह से सफर को आपको बता दें तो फलकनुमा हैदराबाद ने फर्स्ट राउंड के मैच में एफसी मुंबई टाइगर को पराजित करके क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन इसी बीच में यहां पर एक अच्छा हैदराबाद से खिलर करना फिर का महादेश को सोनी युद्ध कर दिया हैदराबाद बढ़िया
आने बजा लेना बजा बात नहीं है खतरनाक है लेकिन आलू बजाऊं ताप तो बना होगा भाई हाँ उन्हें रखा को किंजल तो वॉलेंटियर्स नाची पचके ना होगा लेकिन उन्हें आलू बजा बहुत बेरिकेट होगा आप पश्चिम उत्तर बना फाइट है पारमो का बना पेटे नेहर में ना आलू पारमो तो बना बड़ा दिक्कत हो इसीलिए थोड़ा जल्दी जाइए आप लोग और वहाँ का ऑडियंस को सुनाइए कि वो यहाँ विधि व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और आप लोग नहीं आइए लेडीज लोग के पहले में मत आइए भैया और अभी जो जेंट्स बैठे हैं आपके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट आप लोग बुक करके जेंट्स वाला दर्शक देखना है जो है यार तो बहुत अच्छा हुआ जाना ही हुआ क्योंकि हमारा मजा है दर्शकों को पूरा मौका देना चाहिए मैच देखने के लिए थोड़ा आप लोग जल्दी से जाइए बंसार साहब और वॉलेंटियर्स अनावश्यक भीड़ वहां पर एंट्री भी अनावश्यक हो रहा है वहां जो सहयोग राशि देकर के आए हैं सौ रुपये का उन्हीं को अंदर रखा है पूरा रटा वटा गेम खेल रहे हैं लेकिन लेकिन 17-17 का लिया गया गोल कीपर मानो है टेस्ट लगा दिया तिरप बर्खन उड़ाई कीपिंग डालिया हैदराबाद टीम ने सफर पर गोल कीपिंग का नया रिदम लगा दिया रमेश और जहां तक कीपिंग का है तो अब खेल का एफसी कलकत्ता से खुल नई टीम ने कितने होकर और गोल कीपर मुन्ना दे आने को गोल कीपर बन जाएगा एफसी कलकत्ता से खेल मोहम्मद सलाम से खुला करके तो ये सिस्टम में बता रहा है और थोड़ा काम आइडियास का लोडे अपन का पहले है अलग खेतरे में हवा पे बुझो मत चलने लगो आले रहा को कुर्सी लगा देना टिकट बाद और अन्य मुश्किल ले बुझो लेकिन ये तो निकल ही थोड़ा आइडियास का और आलो पे चपा दो कोना लहाता है नंबर इनका बुझ कर कहां होला पे लहा रहे टिंगियर का पैड पे चपा को ना आलो पे चपा को थोड़ा जो तोड़ के मिलो जलो करते तो फिलर का तो जमा बोल रस के डांस ग्रुप के डायरेक्टर मानवेंद्र जी मां अमरेंद्र जी नाचोनिया उलाड़ी हो बाय बाय ते सजा सपरा को बाय बाय ते दबा गया थोड़ा उससे आगे सजा सा पर नाचोनिया के दली तरीके नंबर भीतरी रे अंगूठी का गुप्त ना जगह खाली बिना और बटा गाना पे डांस लगे उन्होंने इतने की सिलेक्शन ठीक करते दो का पे और राजेंद्र बैंड भी था फर्स्ट हाफ प्रिया गति होगा पहली सेमीफाइनल के अनुरूप उनका भांगा और अब यहाँ से धीरे धीरे दोनों टीम से खिलाड़ी यहाँ पर सिचुएशन को रीड करेंगे और मैं सही बात है राजेंद्र लेकिन उस तरीके का दोनों टीम की तरफ से वो चीज जो इस स्कोर के लिए होना चाहिए एक स्ट्राइकर को उस तरह से रखा गया और मैन टू मैन मार्क को बुलाया रखा गया दोनों टीम के तरफ से जो डिफेंडर है और जिस तरह से आपस में दोनों टीम के खिलाड़ी ने ज्यादातर मिनट ऑफ द पिच में ही बोल कर रखा है ठीक है इस्ताबुल ये भी मोहम्मदन क्लब में फिलहाल ये खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं इस्ताबुल क्योंकि किरतपुर फटर के लिए ले रहे हैं लेकिन ये काफी सारे विदेशी खिलाड़ियों को काफी करीब से जानते हैं लेकिन आज उस रेंज में मौका नहीं मिला है चक्का नमक हालांकि यहाँ पर सोनी हैदराबाद की तरफ से ये लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी लेकिन हेवी टच थोड़ा सा हाथ लगा भी क्योंकि एक स्ट्राइकर के रूप में अपना रोल तो निभा सकते हैं बिल्कुल सही कहा आपने जिस तरह से कल ये बनाने में देखे गए थे इतना अच्छा असिस्ट किया और उसके बाद खुद गोल भी उन्होंने मारा अपनी टीम की तरफ से लामा को यहाँ पर असिस्ट किया जाए तो मुझे लगता है जिस रफ्तार से गति के साथ खेल रहे हैं स्किल स्किल भी बेहतर करते हैं तो यहाँ से अपनी टीम की तरफ से वो पहला गोल मार भी सकते हैं ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एफसी कलकत्ता की तरफ से शुरुआती क्षण में दो तीन अटैक की उसकी तरफ से भी देखा गया लेकिन पहले गोल नहीं मिला उसको भी और ये डायरेक्ट शॉट लेकिन गोल कीपर मुन्ना दे बहुत ही लाभी गोल कीपर अपने हैदराबाद कोलकाता की टीम को यहाँ तक पहुंचाने में इस गोल कीपर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था लेकिन इस तरीके का कमाल दिखाना होगा ग्रीस को एक तरफ से कोलकाता की टीम से छह
को लेकर बढ़ते हुए क्रीज के भाव पर एक अपील किया गया, लेकिन विश्वास था और उसको और साहसी करा गया। मिनका लड़ाई को लाइन और इन विधेयक का वैवध है बना टीम ऑफ खिलोट भी सुधर करना शुरू रहे का आपसे टकरा है आपसे ज्यादातर की दूर पे था फिजिकल अटैक लगे नितिन यादव ज्यादातर उन्हें तो पोजीशन के साथ साथ बॉल रहे ज्यादा काफी तरीके के रूप में था और नितिन विजय अब से गुमा कर रहे उन्हें गोल का टाइम का चांस को जाम का उन्हें कभी का अच्छा मोमेंट बना थोड़ा बेस्ट में कम कर दिया लेकिन जब जब शूट है था जब 19-20-21 रन मिल गया तो निगर रफ्तार उनका पाको शूट दे रहा संगीत हो यानी हरियाणी डी बॉक्स बाहर खेलने खराब को शूट है था उनको शूट वाला खिलाड़ी चिंता में रखा हुआ था जो हैदराबाद फलक नमा हैदराबाद शेखर लामा लगे ना मौका बना लेकिन गोलकीपर अभी कितने के तक है मुन्ना दे अभी बढ़ने की पिक ना और बढ़ने का खाना लगता है पासे की बात बोलते ना और मां डांस ग्रुप मानवेल जी सर अपने अपने सगा सपना होता बालक बिलम फाइनल उसरा होई जा रहा है नीर मुचे दो लगी पहली हाथ हेलो ट्रायन होते फोटो पिए हैं कुड़ी को बीच में बीच मौका आरोप आगे रहा लगातार आक्रमण को बनाया और हैदराबाद टीम ने तो बेहतर तरीके से सही पोजीशन में बॉल बिना मोच जगह पास कर दिया बीते खिलाड़ी भी वन वर्ड ऐसे लेकिन इन्हें क्रॉस बार के ऊपर से इस मैच में फर्स्ट हाफ में जोड़ दिया गया है। अब राजेंद्र यहां पर एक जिस तरह से दिल को दहला देने वाला शॉट लगाया था अगर ये गोल होता इस हाफ में जरा कुछ नहीं मात्र दो मिनट का एडिट टाइम जोड़ा गया है और जितने भी जेंट्स हैं पीछे में और जो कुर्सी में बैठे हैं स्पॉन्सर लोग से रिक्वेस्ट है और वॉलंटियर रहेंगे खाली करवाइए क्योंकि लेडीज लोगों को बैठाना है पीछे पीछे जहाँ लेडीज रिजर्वेशन एरिया में है वो कुर्सी में जितना जो हमारे सम्मानित ऑडियंस बैठे हैं उनसे पहले भी मैं रिक्वेस्ट किया था कि दूसरे जगह में जाकर बैठ जाइए और डांस वाला सुना था रेडी किया पेटे बढ़िया कैसा करना ठीक है यार लगता है ना मैं कहीं ठीक है ना होना है जब लोग अपने बर्बाद मान चला और निकाह के तीन लोग लहार की प्रेशर ठीक होते हैं लाल जाते हैं बहुत घने घने और का खिलट बोलिए लग भी गोल देखो लहा होगा ना
नितों की से गोल करना 17 नंबर रन हुई और 14 नंबर वो निले का और अब 14 नंबर वो निले का नहीं बचना है थैंक यू और अंटी बना बढ़िया नहीं देखी ना नंबर बहुत भी कितने कितना है अरे बढ़िया खिलाड़ चला गया और मी गोल पे फुल हाउ करना और मात्र 2 मिनट रहा यदि टाइम जोड़ा होता यानी मैं तो बस समय लगाना चाहता था खिलाड़ी उन्होंने ना कोई बात का नहीं ना ने बना रहा लेकिन अभी कहते हैं नहीं चल रहा अभी कहते हैं खिलाड़ करना नहीं मैंने आपको बजा दिन के लिखने करना आए थे अभी जबरदस्त खिलाड़ जोड़ा है चला करना और मैं ये गोल करना लेकिन बॉल बढ़ तो ना बाहर है और पसे फिर घड़ी दबा मी खड़ी चितान का जवाब पर बोला उन्हें नेहर बिना ना जाहिर गलत प्रैक्टिस से खोला पे लगे ये जल्द उसके भी किनार बना कि सरकार ले रही है एफसी कलकत्ता और हैदराबाद फलक नवा हैदराबाद अभी शून्य एफसी कलकत्ता एक ऑडियंस के बराबर जो ऑडियंस अभी भी आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है पेटमसा की इस ऐतिहासिक मॉल ग्राउंड में जय हिंद गलत पेटमसा आपका हार्दिक स्वागत करती है बाहर में ब्लू और डार्क ब्लू किया है काफी लॉन्ग का ये शॉट था उसका लाल बाप स्टॉप पर में जुड़े हैं परसों से ही अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं रिंकू सर का मैं स्वागत करता हूं और वक्त आ गया है रिंकू और रिंकू सर को लाइक पर जिंदा रहने का सर आइए आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र और सबसे पहले मैं यहाँ जय हिंद क्लब पेट का सा कमेटी जन को ऑर्गेनाइजर के अध्यक्ष धमाल जी को बेस्ट कमेंटेटर वंस टीम का रिपोर्टिंग हो गया है क्या मिस्टर तुषार जी साथ ही साथ हमारे और फिलहाल यहाँ
ये सेकंड हाफ का मैच चला जाता है और सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं दो गोल का भाग लेते हुए यहाँ पर प्ले करना हैदराबाद और ये हैदराबाद की टीम से एक चेक प्लेयरों का सिलेक्शन किया गया है। लंबा चक्कर लगाते हुए यहाँ से 6 नंबर द्वारा हेडिंग द्वारा क्लियर करने का प्रयास यहाँ कलकत्ता की टीम भारी भरकम प्रयास रखना है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से अगर हमारी टीम चुकी है चुकेगी तो हम सीधे तौर पर कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए उनका प्रयास है कि सेकेंड हाफ का हर हाल में हम ये गोल को रिटेन करके मैच को इक्वलाइज करें, परंतु देखना होगा समय जब तक है इनके पास उस समय पर ये कितना कारगर साबित हो पाते हैं। अपनी जो रेफरी का डिसीजन उसको फॉलो कीजिए, उसको स्वीकारिए। आप बेहतर खिलाड़ी हैं, आप एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय देने का प्रयास करेंगे और यहां से मिल जाएगा एक शानदार सा फ्री किक, लेकिन देखना होगा इस फ्री किक के माध्यम से क्या फायदा अर्जित कर पाते हैं। अच्छा शॉट सिलेक्शन, क्या यहां बॉल, लेकिन बॉल और यहाँ रेफरी का इशारा आपका जो तेज रेफरी का रेप से ज्यादा कदम करना करें, आप रेफरी का डिसीजन को सिखाए आप उसको लेकर आना है कौशल जी। और देखिए यहां से मिल गया है एक शानदार सा ये शॉट, जो होगा सेकेंड टाइम में ये गोल को गोल कर दिखा। हैदराबाद फाइनल में पहुंचने का सवाल है, इसलिए दोनों टीम ने जी जान लगा दिया है। और जिस तरह से यहाँ रिंकू जी भी कह रहे थे कि इस मैच में यहाँ से कभी भी ये मैच किसी भी पक्ष में जा सकता है अगर एक गोल का अंतर रह गया है, अगर हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को अगर यहाँ से इक्वल यहाँ अच्छा डिफेंडिंग ज्यादा कोशिश करने की जरूरत जिनका आदेश है कि ना नियम आप और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले साल जो चैंपियन बनी थी यूपी की टीम इस मैदान पर आ चुके हैं और इसी बीच एक मुन्ना के काफी ज्यादा प्रचार है रोड में, ये हमारे क्षेत्र के ही लड़के हैं, ये पाकुड़ जिला के। हेलो, लेकिन इस खिलाड़ी में क्या पोटेंशियल है, क्या कला कौशल है। हेलो, है उकार है भीतरी नापिया
बापे बोलो हेलो बापे बोलो भित्री तो स्टेज पे है ना अद नोते जुपे नोते नी रेसे जुपे नी रेसे साउंड बॉक्स पड़े गए रुपया इस मैच में आगे का विवरण को जारी रखिए हैदराबाद की टीम को सॉरी कलकत्ता की टीम को अरे आसान नंबर जो गोल किए थे उनका एक शॉट आएगा लेकिन हेलो और देख रहा होगा सूरत एकदम सुंदर तरीके से यहां मुन्ना जी अपने ग्लव्स में लेते हुए गोल और इसके बाद डांस ग्रुप के जो कलाकार आप भी रेडी रहिएगा जैसे इनका खेल खत्म होगी आप तुरंत बाद मैदान पर अपना परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेंगे वहां 10 नंबर बॉलीवुड क्या ड्रिबलिंग करते हैं आप मस्त छटाते हुए खिलाड़ी क्या सुंदर तरीके से लेकिन यहां पर बॉल चली जाएगी सीधे यहां कीपर के दस्ताने में बहुत ही अच्छा कीपिंग करते हुए अभी तक ये खिलाड़ी और वाकई में काफी घमाघमी है काफी जबरदस्त मुकाबला है ये दोनों के बीच में और दोनों टीम कहीं ना कहीं एकदम गोल करने के इरादे से मैच को खेलते हैं लेकिन वहां उनको थोड़ा सा स्कोर डिफ्लेक्ट पर बॉल सीधी चली जाएगी टच लाइन के बाहर और यहां से एक ट्विक करने का मौका मिल जाएगा एफसी कलकत्ता की टीम को वहां जगा दीजिएगा उसको थ्रोइंग करने के लिए और कहीं कहीं यहाँ वेदर कंडीशन थोड़ा सा बादल छाते हुए और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है वाकई में ये दोनों टीम के बीच में जो भी जीत दी जाएगी वो सीधे तौर पर फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित कर रही है यहाँ बॉल उसे कंट्रोल नहीं हो पाई बॉल उसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर उसके पैरों से सीधे कर सीधे टच लाइन के बाहर गई और फिर से एक बार थ्रोइंग करने का यहाँ मौका मिल जाएगा एफसी कलकत्ता की टीम को हैदराबाद की टीम क्या बेहतरीन ढंग से खिलाड़ी को बीट करने वाली बॉल बैक पास करते हुए ये खिलाड़ी 17 नंबर की जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ी लेकिन यहाँ थोड़ा सा चुके हैं क्या यहाँ से बॉल आएगी सीधे क्रॉस के लिए लेकिन वहां बॉल डिफ्लेक्ट होकर सीधे और वहां बॉल को थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास लेकिन उनके कब्जे से उनके कैप्चर से थोड़ा सा बॉल कहीं ना कहीं बाहर जाता है और फिर से यहाँ पर ये भी टाइम में भी गोल तो यहाँ से सुंदर शॉट क्या यहाँ पर इस बार बॉल उनके पैरों से लगकर सीधे कहीं ना कहीं और मिठू का एक खिलाड़ी का चेंज होते मिठू जी एक खिलाड़ी चेंज असमान को बाहर क्या जा रहा है सिंह भाई से बोलो और देखता होगा जो 2 मिनट का एडिट टाइम मिला है क्या उस पर मैच में कुछ जान ला पाएंगे यहाँ मैच को पकड़ने का मैच पर अपना दबदबा जमाने की इरादे से यहाँ पर कलकत्ता की टीम अच्छे परमाणु पर दर्शाने का प्रयास करती है छोटा सा पास मुकरन भी अच्छा वहां पर इंटरसेप्शन आता हुआ यहाँ इसको बॉल को माध्यम से बॉल को पुनः एक बार स्टार्ट करते हुए और फिर से ये खिलाड़ी पहले भी ये खतरा साबित हो चुका है इस टीम के लिए लेकिन देखना होगा क्या यहाँ इस बार
अंतिम समय में क्या यहां बोला है। बॉल फिलहाल प्ले में ही रखा गया है और दो खिलाड़ी काफी बॉल के ऊपर मशक्कत करते हुए काफी परेशान करते लेकिन यहां और थोड़ा सा फाइनल दिन में थोड़ा सा विधि व्यवस्था थोड़ा मिली ही रहता है। थोड़ा सा भी मैं मुख्य मंच में अलग आ गया हूँ इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार अभी हमारे बीच में जो सम्मानित इस मुख्य मंच पर जो गेस्ट अभी तक आ चुके हैं इसी बीच में ये मैच की समाप्ति हो गई है। मैच की फुल टाइम सिटी के साथ एफसी कोलकाता की टीम ने फाइनल के लिए अपना स्थान को क्वालिफाई किया।